ये बिरौल पंचायत है और वार्ड नंबर 6 और 3, ये वार्ड नंबर 6 और 3 के मनरेगा जॉब होल्डर हैं और इसे इनसे हम जानना चाहेंगे जो कि अभी तक मनरेगा कार्ड के आधार पर इनको क्या क्या सुविधा मिली है काम के अतिरिक्त। सरकार कह रही है जो कि हम मनरेगा वाले को 100 दिन की रोज़गार देते हैं, तो सिर्फ रोज़गार ही देते हैं या रोज़गार नहीं देते हैं? और रोज़गार के अतिरिक्त ये कार्ड, इस कार्ड पर क्या क्या सुविधा मनरेगा मजदूर को मिल रहा है? तो हम चलते हैं इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं जो कि इन्हें क्या मिला है, काम मिला है तो कितने दिनों की, और काम के अतिरिक्त मनरेगा मजदूर के रूप में इन्हें और क्या सुविधा मिला है। तो आपका नाम क्या है? रामफल चौपाल। रामफल चौपाल, ये ग्रामीण विकास है, ये है मनरेगा, ये दो दो कार्ड आपके पास है, कैसे? लड़का का। ये आपके लड़का का है? आपके लड़का का, दोनों आदमी मनरेगा मजदूर हैं। तो बताइए जो कि लॉकडाउन 24 मार्च से शुरू हुआ और अप्रैल में मुख्यमंत्री बिहार ने घोषित किया कि हम मनरेगा मजदूर से लेबर करेंगे, पंचायत में भी काम उपलब्ध करवाएंगे। तो अप्रैल के बाद से पंचायत ने आपसे कौन कौन सा काम लिया है? हम लोग को तो कुछ भी नहीं लिया है। कोई भी काम नहीं लिया है? कुछ नहीं। थोड़ा एक एक हाथ के डिस्टेंस पर आ जाइए, ठीक है? कोई काम नहीं लिया है? कुछ नहीं। अच्छा, ये कार्ड कब इशू हुआ? कुछ वो नहीं हुआ। ये कार्ड कब बना है? ये कार्ड कब बना? यही 3-4 महीना हुआ। ये नया कार्ड बना है? हाँ जी। ठीक है, उसके बाद से अभी तक कोई काम नहीं मिला है? काम नहीं। ठीक है, आपका नाम क्या है? महेंद्र यादव। सब नाम आप पता बोल। महेंद्र यादव मनरेगा मजदूर हैं। कितने दिन काम किए हैं? 100 दिन में आप पंचायत में कितने दिन काम किए हैं? कुछ नहीं। नीतीश सरकार कितने दिन काम दिया आपसे? एक दिन भी काम नहीं दिया है। ये कार्ड के लिए, आज इस कार्ड का क्या महत्व है? कार्ड बना, कार्ड कहाँ, कौन दिया ये कार्ड? ग्राम सेवा। क्या ये कार्ड दिया तो बताया जो कि इस कार्ड का क्या महत्व है? नहीं, कुछ नहीं बताया, सिर्फ दे दिया। ठीक है, ये कार्ड, आपका नाम? बीना देवी। बीना देवी, ये कार्ड कब मिला आपका? कुछ नहीं दिया। काम कहिया कब मिला? ये हेल्प लाइन नंबर है, ये मजदूर को देखिए, मनरेगा कार्ड बिना हेल्प लाइन नंबर का दिया गया है, यानी अंधे गुरु बहिर चला वाली बात है, जबकि यहाँ पर हेल्प लाइन नंबर देना चाहिए, इस पर हेल्प लाइन नंबर प्रिंट होना चाहिए, मजदूर किससे बात करेगा ये, लेकिन बिना हेल्प लाइन नंबर का, ये सबसे बड़ी गलती है मैम मनरेगा कार्ड छापने वालों की। ठीक है, आपका नाम? महेंद्र ठाकुर। काम तो नहीं मिला ना? नहीं। मजदूर, ये कार्ड किसने दिया? ग्राम सेवक दिया। हाँ। ग्राम सेवक कार्ड देते हुए क्या कहा? कुछ न कहा। रसीद पर, रजिस्टर पर साइन करवाया? नहीं, बिना वैसे ही फेंक दिया। हाँ। ठीक है, कुछ न दिया। अभी हमको तो है, आपको कार्ड नहीं है? नहीं। चलिए, और कुछ नहीं लिख सकते हैं? ये कार्ड है या पासबुक है? इसे किस चीज की कार्ड है? ये कार्ड है, मनरेगा पासबुक है ना? कि ये पासबुक है, क्या नाम है आपका? बिमल देवी। बिमल देवी, कब मिला यह पासबुक? 4-5 साल पहले मिला। ये 4-5 साल पहले मिला, और इसका जो लास्ट पेमेंट देखिए, लास्ट पेमेंट 8/18/12 को है, लास्ट पेमेंट 8/18/12 को है, 432 रुपया। कितने दिन काम किए? 3 दिन। ये कर लिया 3 दिन का पाँच दिन। 8 तारीख को 10/8/2012 को मिला है 8 432 रुपया, और 8/18/2012 को मिला है 432 रुपया। उसके बाद
छह से आठ साल के दरमियान में, अभी 2020 है, आठ वर्ष के दरमियान में आप कहीं नहीं काम किए? मनरेगा में कहीं नहीं काम किए? कहीं नहीं। ठीक है, आप क्या बोलना चाहते हैं मनरेगा के बारे में? हाँ, बोलना चाहते हैं जेसीबी से काज करवे छे, हमरा सब से काजे न करवे। अच्छा, जेसीबी से काम हो रहा है? हाँ। पंचायत में? हाँ। मनरेगा मजदूर से काम नहीं हो रहा है? और बताइए। सबटा अपन पाई बचा ले छे, हमरा सब से काम नहीं हो छे। नहर में 10-5 लेबर लो जाए छे, आ वो अपन लेबर से छिलका लेलक एम्हर ककरो न काम पर। ये कार्ड कब मिला? 5 महीना पहले। जॉब कार्ड कब मिला ये? 4-5 महीना हो गए। 4-5 महीना काम के लिए आए मैं? काम बिल्कुल नहीं। इस पर साइन टाइम है कहीं? ये है नया कार्ड मिला है, 4-5 महीना पहले मिला है नया कार्ड। ठीक है, काम नहीं मिला है आपका? मजदूर मनरेगा मजदूर हैं? नहीं। ठीक है, आपका ये क्या रखो? रानी देवी? हाँ, रानी देवी। आपका नाम रानी देवी है? ना, अच्छा, आपके नाम है। और आपका नाम? आपका नाम है ये नाम है? ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ हेल्पलाइन नंबर, बिना हेल्पलाइन का मजदूर मनरेगा कार्ड दिया गया है। कहियो काम करे मनरेगा में? एक एक हाथ पीछे। क्या नाम है आप? दुलारी देवी है। काम किए हैं? एको दिन काम नहीं किए। कब मिला ये? 4-5 महीना पहले। 4-5 महीना पहले मिला? आपका भी 4-5 महीना पहले? हमारा कोई नहीं है। अच्छा, इनका आप काम नहीं लेता है आपसे? लखन ठाकुर हैं? रिंकू देवी के छे। रिंकू देवी हैं? और आपका नाम है रिंकू देवी? ये कार्ड हाथ में ऐसे रखिए। काम आप बोलना है, जो बोलना है से बोलिए। बोलिए। हमरा कोई नहीं है। अच्छा, काम नहीं मिल रहा है? ना। ठीक है, अहाँ के भगे चलिए, कार्ड है हाथ में, हाथ में कार्ड लीजिए। ये कार्ड कब मिला? 4-5 महीना। ये कार्ड 4-5 महीना पहले मिला। ठीक है, और काम किए हैं कि नहीं? है एको दिन नहीं? ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार कह रही है मनरेगा मजदूर को हम काम देते हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सरकार कह रही है मनरेगा मजदूर को हम काम दिए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? काम नहीं ना दिया? नहीं। सरकार कह रही है मनरेगा मजदूर को हम काम दिए हैं, माने दे चुके हैं। ये देखिए, जहाँ पर नीतीश सरकार कह रही है हम मनरेगा मजदूर से काम देंगे, वहाँ पर ये है सो काम किसी को नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? वंदना देवी। वंदना देवी, काम किया है मनरेगा मजदूर में? अच्छा, कोई काम नहीं किया मनरेगा मजदूर? जी। कौन है तुम्हारा? सुशीला देवी और बुरा ठाकुर। माही कौन है? ये मेरी नानी है। नानी है, काम किया है कभी? नहीं काम करी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार कह रही है लॉकडाउन में हमने मनरेगा मजदूर को काम दिया, माने वो काम दो राशन या ने गैस दलक आ नहीं कोनो चीज ये कमाई छे तो खाते तो नहीं मजदूर जो अबे छे काम तो कामो नहीं दे छे। काम नहीं दिया सबटा छे घुस। सरकार कह रही है हम दिए। राशनो कार्ड हमरा नहीं देनी? राशनो कार्ड नहीं मिला? दीदी आई थी? राशन कार्ड अभी नहीं मिला। दीदी आई थी? नहीं। वार्ड मेंबर ले गया था? नहीं। फॉर्म भरा करके? नहीं ले। फॉर्म भर के लेने कैसे सकते? दीदी आई थी? जिनका दीदी आई थी? नहीं। वार्ड मेंबर आया था? वार्ड नंबर अबे छे किछ करबे नहीं करे। अच्छा, आप पैसा लेके अबे नहीं करे छे? 1500 रुपया लेके नहीं करे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हमरा तो 6 महीना हो गया, हमरा कुछ भी नहीं दिया। कुछ नहीं ना दिया? ठीक है, चलिए आप। हम लोग अखन तक 6 महीना बनला भ गए, लेकिन अखन तक नहीं कुछ करा। मनरेगा मजदूर का मन लेगा मजदूर है ये है। आप बताइए कितने दिन काम किए? एको दिन ले काम किए। कितने दिन काम किए? एको दिन काम नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? परमिला देवी। काम नहीं मिल रहा है? ना। अच्छा, ठीक है, वहाँ के काम किच्छो नहीं, केवल
राशन कार्ड केवल ये कार्ड हमा दलक है। हाँ। ठीक है, अहाँ के कुछ नहीं दे छे? कुछ नहीं दे, सिर्फ कार्ड दिया है। हाँ। सबको कार्ड बोल रहे हैं। अहाँ के नाम कुमार देवी। क्या बोल रहे हैं? नीतीश सरकार कह रहा है हमने काम दिया 90 दिनों का। नहीं, हमारी सरकार बोला हमने काम दिया। नहीं, हमारा बेटा काज, हमारा लड़का काज किया था इस पर, मगर हम नहीं किया। आपका लड़का को मिला? नहीं मिला। पैसा दिया? नहीं मिला। काम कराने के बाद पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। क्या नाम है आपका? कुमार देवी। कुमार देवी। लड़का का क्या नाम? इंद्र यादव। कितने दिन काम किया? जितने दिन चला हुआ उतने दिन काम। कहाँ काम किया? बांध में काम किया। बांध में काम किया था। बांध में काम कराने के बाद पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। ठीक है, किसने काम कराया? नाजिब। नाजिब रोजगार सेवक। कौन? ठीक है। और नंबर एक, आप एक देखते हैं कि सभी के सीधा कर लिए सबका कार्ड। आप सब आप देखिए सभी का आवेदन, सभी के हाथ हटा तो निकाल से और सद रूप कर लिया। आप देखिए सबको कार्ड तो दे दिया है, लेकिन आप देखिए कार्ड में किसी का हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया गया है, जबकि सबसे बड़ी गलतियां हैं जो कि यहाँ पर जो मनरेगा हैंड ओवर कवर करता है, हैंडलिंग करता है, उसका नंबर होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलतियां हैं जो कि लेबरों को कार्ड दे करके लेबर के कार्ड पर मनरेगा हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया गया है, जिससे कि मनरेगा मजदूर इस पर अपनी समस्या दर्ज करा सके। सबसे बड़ी समस्या है जो कि मनरेगा फॉर्म पर लेबर अपनी आवाज कहाँ उठाए, उसने इस कार्ड पर नंबर नहीं देना सबसे बड़ी गलतियां हैं, जो कि मजदूरों को आवाज उठाने कहाँ मजदूर उठाए आवाज, इससे रोका गया है। अब चलते हैं दूसरा ट्रैक, मनरेगा मजदूर। नीतीश कहा हम दिए हैं नौकरी, काम दिए हैं, आप लोगों को काम नहीं मिला है। नीतीश सरकार का ये कथन यहीं पर फॉल्स हो रहा है कि हमने काम दिया, यानी आधा चना बाजे घना नीतीश सरकार है। अब हम चलते हैं दूसरी बात। दूसरी बार लॉकडाउन के तहत, लॉकडाउन के तहत 5 किलो चावल फ्री था, कोटा वाले को मजदूर को मुफ्त में देना था। दिया? दिया? 5 किलो अनाज दिया? हाँ, 5 किलो अनाज दिया? कौन सा डीलर है? फूल कुमार डीलर है। अब पैसा नहीं दिया? 5 किलो क्या कहा? नहीं दूंगा। क्या कहा? बोला आपको नहीं दूंगा, ससुर के दिया, उसको भी बोला तो बोला दिया ही नहीं। क्या नाम है? रंगिया देवी। रंगिया देवी, रंगिया देवी, आपको 5 किलो अनाज मुफ्त में मिला? हाँ, 5 किलो अनाज मुफ्त में मिला। हाँ, मिला। अच्छा, 5 किलो अनाज मिल गया। नंबर दो, नंबर दो पॉइंट, 500 रुपया। एक सेकेंड इंदिरा, एक सेकेंड, 100। ये जो इंदिरा, ये जो काम था मनरेगा, ये किसका? सरकार पाइलट दल के यहाँ रहता है। एक सेकेंड, एक रहा, ये जो है जीरो बैलेंस पर 500 रुपया आना था। बैंक में गए आप, पैसा आया था 500 रुपया? पाँच सौ रुपया आना था बैंक में, 500 रुपया बैंक में नहीं आया ना। नंबर तीसरा पॉइंट, 1000 रुपया आपको बैंक में आना था। एक हजार रुपया बैंक में आना था, 1000 रुपया आ गया। 501 बेर 1000 मैंने वो आ गया ना, आप लोगों को नहीं आया। गैस वाला दूसरा था, गैस फ्री में देना था, नहीं दिया। लॉकडाउन के तहत जो मैं समस्या बता रहा हूँ, लॉकडाउन के बारे में जो सरकार घोषणा कर चुकी है, वो पूछ रहा हूँ। जैसे 500 रुपया कहा मैं भेज रहा हूँ बैंक में जीरो बैलेंस पर, 1000 रुपया नीतीश सरकार का मैं भेज रहा हूँ,
और गैस फ्री में भेज रहा हूँ। वो तीन चार चीज आप लोगों को दिया गया कि नहीं दिया गया? हमरा एक चाची भी नहीं दे ले गैस के भाई पर आना गैस नहीं है तो बैंक में छोटा पैसा जीरो बैलेंस पर आना था 500 रुपया 500 रुपया आ गया था हमरा सब पर नहीं आयल छले जरा गैस फ्री था हां फ्री लेकिन पैसा नहीं आया गैस भी नहीं आया ठीक है तो मेरा जो है मैं ये कहना चाहता हूँ जो कि नीतीश सरकार मनरेगा मजदूर को जो कार्ड मिला था ये कार्ड दिया आप लोगों को उसको लॉकडाउन के तहत उस पर कड़ाई से पालन करना था ठीक है बस इसीलिए मेरा प्रोग्राम है और आप लोग निश्चिंत रहिए आप लोगों की आवाज़ बहुत दूरों तक जाएगी ठीक है ठीक है अब मेरा प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हुआ आप लोगों ने इस प्रोग्राम में भाग लिया ये भी कह बहुत ज़रूरी है जो कि सरकार वहाँ कहती है कुछ जनता तक आती है कुछ सरकार कहती है कुछ सरकार के फाइल दब जाता है कहीं और वो आप तक नहीं आप पहुँच पाता है तो यदि आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा तो फिर कहाँ से सरकार समझेगी जो कि कहाँ बंद है काम ठीक है? मैं शैलेश कुमार नवसंचार समाचार.com मधुबनी धन्यवाद आप लोगों ने इस प्रोग्राम में भाग लिया।